राष्ट्रीय लोकदल के संगठन प्रमुख व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी रवि भवन में 14 अक्टूबर को कार्यकर्ता सभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की हितैषी पार्टी है और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सरकार को सचेत करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी अपराध को बढ़ावा देती है। बेरोजगारी अपराध की जननी है। गाँव में स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार न होने के कारण लोग शहर की ओर पलायन करते हैं और शहर में महंगाई और काम न मिलने की वजह से अपराध की ओर रुख करना स्वाभाविक है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सक्षमीकरण करना आवश्यक है। उन्हें पारंपरिक व्यवसाय, हस्तकला, गृह उद्योग व लघु उद्योग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं हैं जिसको सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। गांव में रोजगार उपलब्ध हो जाने के बाद पलायन रोका जा सकता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि के क्षेत्र में अच्छा प्रतिसाद मिलता है, बशर्ते आधुनिक तकनीक, उन्नत स्कीम के बीज और प्राकृतिक खाद को अपनाया जाए। केंद्र सरकार इस क्षेत्र में ध्यान दे रही है। अनेक योजनाओं के अंतर्गत किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने, उत्पादों में उचित SP और बाजार पेट की व्यवस्था, आसान कर्ज और किसान सम्मान निधि से ग्रामीण किसानों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास केंद्र द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग, उचित पारिश्रमिक पर ध्यान देना आवश्यक है। अधिकांश देखा यह जा रहा है कि गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी आदि की समस्याएं अभी भी बरकरार है। उनको हाथ से बनाना चाहिए और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए जो काम नहीं हाथ से हो सकता। जापान में तो टेलीविज़न और कंप्यूटर का लोग हाथ से बना रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो जब यहाँ हाथ का दस्तकारी बढ़ेगी, हाथ का काम बढ़ेगा, तो रोज़गार मिलेंगे और रोज़गार जब तक नहीं मिलने के तब तक तरक्की तो अलग है, अपराध भी नहीं रुकने के। इसलिए हमारा ये कहना है कि रोज़गार को बढ़ाओ और रोजगार बढ़ाने का एक ही मात्र हिंदुस्तान में तरीका है कि लघु उद्योग पर ज़्यादा इन्फोर्स ध्यान दिया जाए। गांधी जी भी यही कहते थे, चौधरी साहब यही कहते थे, तो हम लोगों ने आज सम्मेलन में ये सब बातें रखी हैं और एक प्रस्ताव पास हुआ है कि राष्ट्रीय लोकदल महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगा और उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ महिला सशक्तिकरण का सवाल है। महाराष्ट्र में महिलाएँ बहुत आगे हैं, उनको आगे लाने की जरूरत है। हाथ की दस्तकारी अगर बढ़ जाएगी, जो काम हाथ से हो सकता है अगर उसमें महिलाओं को उधर लगाया जाएगा तो वो ज्यादा ताकत उनको मिलेगी उनकी जेब में। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।